अस्सलाम वालेकुम। तो भाई पाकिस्तान में भी अब एक ऐसी डिवाइस आ चुकी हुई है जो सिर्फ गेम के लिए है, यानी पबजी मोबाइल के लिए, और अब तक की सबसे बेस्ट डिवाइस मानी जा रही है। तो सभी लोग इसको लेके परेशान हैं कि भाई क्या ये डिवाइस सच में इतनी अच्छी है, ठीक है, सच में 90 FPS देती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको 90 FPS खेलने को मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ भाई पोको X6 प्रो की। पहले पोको X3 प्रो आया था जिसने हमें हार्ट अटैक दिया था, ठीक है। पहले हार्ट अटैक इस वजह से उसने दिया था कि उसके फीचर्स इतने कमाल के थे, ठीक है। स्नैपड्रैगन 860 का उसमें प्रोसेसर था, 240 हर्ट्ज़ का आपको टच सैम्पलिंग मिल जाता था, 120 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता था 40,000 में, ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। तो वो भाई मैंने भी लिया था, सब ने लिया था। तो जब डेड हुआ था ना, उसने फिर एक और हार्ट अटैक हमें दिया था, तो जब वो वाला हार्ट अटैक मुझे अभी तक नहीं बोलता जो उसने दिया था, ठीक है, पोको X3 प्रो ने। लेकिन ये वाली जो डिवाइस है ना भाई, मुझे माजरत के साथ हंसी आ रही है, ठीक है, ये पोको वाले ना, पोको X3 प्रो वाले या पोको X सीरीज़ वाले ना, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना कि पहले उसके फीचर सुनते ही हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद जो है ना, जब वो डेड होता है या कुछ उसके साथ प्रॉब्लम होता है, तो दोबारा वो हार्ट अटैक डिवाइस देती है, ठीक है। तो भाई ये अभी आया है पोको X6 प्रो, इसमें डायमेंसिटी 8300 का आपको प्रोसेसर मिलता है, ठीक है, जिसके एंतुतु स्कोर 1.4 मिलियन है भाई। वो आप सोच ही सकते हो कि इसमें कितना पावरफुल प्रोसेसर दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो मेरे पास डिवाइस है ना, Redmi K40, ये स्टेबल 90 FPS तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी गेमिंग करके देती है। इसमें डायमेंसिटी 1200 की चिप है, लेकिन उसमें डायमेंसिटी आपको 8300 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8300 की चिप है, तो सोच ही सकते हो उसमें कितनी एक पावरफुल वो डिवाइस है, ठीक है। और पाकिस्तानी मार्केट्स में अगर प्राइस की बात करूँ ना, तो 1,30,000 की मिलती है, जबकि इंडिया में वो 27,500 की मिल जाती है। और इसके अलावा आपको 5000 mAh की बैटरी भी मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, 67 W की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, 120 Hz का आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, और ये डिवाइस 40 मिनट में फुली चार्ज हो जाती है। और ये डिवाइस अगर आपको सच्ची बताऊं तो आपको स्टेबल 90 FPS देगी, क्योंकि भाई इतना पावरफुल इसके अंदर प्रोसेसर लगाया गया ना, जो आप सोच भी नहीं सकते भाई। लेकिन अगर उसमें उसकी बात करूं, मैं स्नैपड्रैगन की सीरीज़ की बात करूं ना, तो उसमें 8 Gen 2 था, इसमें अब डायमेंसिटी 8300 है, तो सोच ही सकते हो कि कितनी पावरफुल इसमें प्रोसेसर आपको दिया गया है। और बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको 90 FPS देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि कुछ लगाना पड़ता है या कोई भी फाइल वगैरह, इस तरह का सीन नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको 90 FPS देखने को मिलता है, और 90 FPS स्टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक और बात यार जो मुझे तंग कर रही है ना, वो ये है कि इसमें जो टच सैम्पलिंग है ना, वो 2160 हर्ट्ज़ का आपको कह रहे हैं कि 2160 हर्ट्ज़ अगर आप गेम मोड ऑन करते हो, यानी वैसे नॉर्मल मोड में अगर आप कोई स्क्रॉलिंग कर रहे हो या कोई और चीज़ चला रहे हो, तब तो आपको 240 हर्ट्ज़ का ही मिलेगा टच सैम्पलिंग, लेकिन अगर आप गेम मोड में जाते हो तो आपको 2160 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग मिलता है। इसके ऊपर मैंने यार बहुत सर्च किए, कोई कहते हैं कि 480 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग मिलता है गेम मोड ऑन करके, लेकिन मैंने गूगल करके देखा है तो वहाँ पे 2160 आ रहा था। तो अगर ये 2160 वाकई में देती है, तब तो मेरा भी मूड बन रहा है इसको लेने का, ठीक है, कि वाकई में अगर इतनी अच्छी डिवाइस है, 2160 हर्ट्ज़ आपको टच सैम्पलिंग दे रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये रेड मैजिक 9 प्रो आया था, उससे भी इसका ज़्यादा टच सैम्पलिंग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो डिवाइस अब मिल रही है 3 लाख के करीब आपको मिल रही है, और ये 1,29,000 की मिल रही है, जो कि इंडिया में 27,000 की है। तो इस चीज़ को लेके मैं परेशान था। बाकी यार ये मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि कितना है इसका टच सैम्पलिंग या कितना नहीं है, ठीक है, ये जो ही मुझे कोई मिलती है अपडेट या कहीं से मैं मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। बहरहाल अभी के लिए इतना है कि इसका गेम मोड अगर ऑन करते हो ना, तो 2160 हर्ट्ज़ का आपको टच सैम्पलिंग वाकई में देखने को मिलता है। मैंने बहुत सर्च किया, रात भी मैंने इसके ऊपर सर्च किया था, तो वो यही कह रहे थे कि अगर आप गेम मोड ऑन करते हो ना, तो 2160 हर्ट्ज़ ही आपको मिलता है। बाकी ये डिवाइस आप लोग देख सकते हो, पाकिस्तानी मार्केट्स में आपको 1,29,000 की इजीली मिल जाएगी। तो इसमें अब डेड के इशू को लेके, तो भाई मेरा अभी तक कोई ऐसा वो नहीं रहा कि इसमें कोई डेड वाला इशू है, क्योंकि पोको X5 प्रो आया था ना, उसका भी डेड का सीन नहीं है, मेरे ख्याल में ये फिक्स हो चुका हुआ है, ठीक है, अल्लाह ना करे कि ये डिवाइस भी डेड हो जाए, ठीक है। तो डेड होने का इसका सीन नहीं है, आप परेशान ना हो कि ये डेड होगा, क्योंकि पोको अगर डेड होना होता ना, तो पोको X5 प्रो में भी आपको कोई डेड का सीन मिलता, तो उसमें भी डेड का सीन नहीं है। तो बाकी यही सारा सीन है, मज़ीद अगर इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है टच सैम्पलिंग को लेके, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा कि भाई इतना इसका है। तो इसके अलावा अगर आपका इस डिवाइस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको पता है कि मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।